सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को ये शेयर करने आया हूँ जैसे कि अपने अपना मोबाइल को कंप्यूटर जैसा कन्वर्ट कैसे कर सकती है। आपको मोबाइल को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए और किसके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा और क्या चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ हम लोग आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं हूँ अफजरुल और आप देख रहे हैं ये टॉप अफजरुल यूट्यूब चैनल। गाइस, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, वीडियोस हर बार की तरह बोरिंग नहीं होगा, इस वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है और नॉलेजेबल होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना ताकि स्किप कर दिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और तो और आपका बहुत नुकसान हो सकती है, एक भी खरीद सकती है और कुछ इसका चीज खरीदना और कितना प्राइस भी है, इन सारी चीज सब कुछ हमने बताने वाला हूँ। और क्या किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा या नहीं, इन सारी चीज हमने बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं सिंपल सा बिना किसी रुकावट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जैसा कि आपने एक केबल खरीदना पड़ेगा ताकि OTG कहती है, OTG खरीदना पड़ेगा सिंपल सा। और आपका ये एक माउस खरीदना पड़ेगा, जैसे कि ये माउस खरीदना पड़ेगा और आपका एक क्रेबोट खरीदना पड़ेगा, जैसे कि एक क्रेबोट खरीदना पड़ेगा और आपका ये वाला जो बूट है ताकि कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए, ऐसे वाला एक बूट खरीदना पड़ेगा। तो इसका प्राइस है आपका कितना है, 50 रुपया, और इसका प्राइस है 400 रुपया 450, और माउस का सिंपल 150 रुपये में मिल जाएगा ताकि यानी 150 में, और जो OTG केबल है वो भी 50 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको इससे अलावा और एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि मैं अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे जाकर बताती हूँ। तो गाइस, स्क्रीनशॉट पे जाने के लिए आपको तो सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह का आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है इस तरह का देखने को मिलेगा, ताकि आपको देखने को मिलेगा ये सिंपल सा कंप्यूटर है। आप देख सकते हैं ये सिंपल कंप्यूटर जैसा देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक को आप कॉपी कर लेना, ताकि सिंपल से लिंक को क्लिक मत करना ताकि किसी भी ब्राउज़र में ले जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्रोम ब्राउज़र पर लाना है, तो जो अपना जो वही एक एप्लीकेशन का लिंक मैंने कॉपी करके रखा, तो सिंपल सा मैं इसका मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाती हूँ। जाने के बाद आपको देखने को मिल रहा है ये एंड्रॉयड विंडोज 7 डाउनलोड लिंक करके लिखा हुआ है, तो आपको ये सर्च करना नहीं चाहिए, सिंपल सा कॉपी करके, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी करने करके आपको कॉपी करके यहाँ प्रेस कर सकती है, तो मैं इसको सिंपल सा कट कर देती हूँ, यहाँ प्रेस कर देती हूँ। तो अब देख सकती है यहाँ प्रेस करने के बाद आपको सिंपल से सर्च कर देना है। तो सर्च करने के लिए अलाउ वगैरह मांगती है, तो किसी को मांगती है और किसी को नहीं मांगती है, तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है ताकि मेरा डेस्कटॉप मोड में है, तो आप देख सकती है। तो इसके करने के बाद जो मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है तो मेरा डाटा भी ऑन कर लेती हूँ, जो ये सिंपल से मोबाइल का है, तो आप देख सकती है। तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्च कर लेती हूँ दोबारा, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिल रहा है यही वाला जो ऑप्शन है, ये देखने को मिल रहा है, जो इस लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि एंड्रॉयड विंडोज 7 जो ऐप्स का लिंक होती है इसको आपको डाउनलोड में क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक करती हूँ, इसको क्लिक कर दिया तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप देख सकती हैं।
इस तरह का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो आपको इससे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद और भी प्रोसेस आएगा, तो फिर से ये वाला क्लिक करने को कहेगा, तो इसको क्लिक कर देना। तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड कहाँ पर मिलेगा तो आपको पता ही होगा। डाउनलोड तो आपका किसी भी ब्राउज़र पे इसी तरह डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाती है। तो ये देखिए इसका MB इतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसका MB जो है, जो इसका साइज होती है MB साइज 7x12 इतना ही, तो बहुत ही अच्छा है और बहुत मज़ेदार है। ये सिंपल सा कंप्यूटर जैसा देखने को मिलेगा। तो आपको मैं ये डाउनलोड हो रहा है, तो देखिए कितना तेज़ी से डाउनलोड हो रही है, ताकि इसका साइज बहुत कम है, इसलिए मेरा लगभग 90 क्रॉस कर चुकी है, 100 हो चुकी है। तो अभी आपको ओपन करने मांग रही है, तो आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद तो मेरे ऑलरेडी ओपन है, आपको क्या करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको सिंपल से बैक कर देती हूँ। आपका आप सोचिए आपका डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको सिंपल से बैक कर देती हूँ मैं। तो देखिए आपको जो पहले ओपन करने के बाद इस तरह का नहीं आएगा, ताकि थोड़ा आपको सीटिंग है, सीटिंग को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सीटिंग, यह सीटिंग को क्लिक करना पड़ेगा। सीटिंग को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ताकि आपको इसमें किसी को आप चूज़ करना नहीं चाहिए और किसी को क्लिक मत करना, ताकि आपको ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फ्यूचर होती है। तो आपको सिंपल सा इसी तरह कंप्यूटर जैसे रखना है, तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको इसमें रहेगा, ताकि मोबाइल खड़ा करके यूज़ कर सकती है। तो आप मोबाइल को झुकाने से वो लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जैसा नहीं होगा। तो आपको ऑटो पे सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट करके रखना है, कन्फर्म भी कर देना है। कन्फर्म भी करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ताकि ये देखिए मैं जो बैनर है ये मैं सिंपल सा सेंस किया, तो आपको भी आप भी सेंस कर सकती है, यहाँ क्लिक करके ये भी सेंस कर सकती है। तो इसका फ्यूचर्स और है, जो ये वाला आइकन देखने को मिल रहा है, ये आइकन पर जाने के बाद आपको इस पर जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ये देखिए जो एप्स वाला आइकन है यहाँ पर जा सकती है, यानी ये इसमें जाने के बाद और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि आपका सॉफ्टवेयर वगैरह एप्स वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपल सी एप्स को ओपन करती हूँ। यहाँ आपका जो वीडियोस वाला ये फ़ोटोज़, इसमें जो टूल वगैरह ये गेम्स ये है, तो मैंने टूल में इन सारी चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ, ताकि आपको देखने को मिल रही है। जो अपना मोबाइल में जो भी कुछ है, जो इन सारी चीज़ है, इससे कनेक्ट कर चुकी हूँ, ताकि ये देखने को मिलेगा आपको। ये सिंपल जरा सर या कंप्यूटर है ऐसा, तो आपको ऐड करने के लिए यह जो जो एप्लीकेशन में जो ऐप का होती है, इस टूल में आने के बाद आपका कैटेगरी भी आप बना सकती है। तो इसमें जाकर आपका कैटेगरी या कौन सा कैटेगरी में आपका सॉफ्टवेयर ऐड कर सकती है, वो कैटेगरी आप यहाँ से लिख सकती है, तो यह क्रिएट कर सकती है। सिंपल सा आपको बता देना चाहती हूँ, तो यह क्रिएट कर सकती है। तो सिंपल से मैं किसी कैटेगरी नहीं चूज़ कर रहा हूँ, ये सिंपल से आपको सेंड कर देना है, करने के बाद कन्फर्म में क्लिक कर देना है। तो इसका एक कैटेगरी आ चुकी है, ये देखिए। तो इसमें आपका किसी सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकती है इसी तरह का राइट में या चेक करके आप यहाँ से ले सकती हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए 2-3 या सॉफ्टवेयर ले लेती हूँ, आप देखिए। तो इसको भी अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा सकती है, नीचे जाके आप भी इसको कर सकती है या ऐड कर सकती है। तो इसके बाद कंफर्म कर देने, तो ये देखिए जो मैंने KLP एक कैटेगरी बनाया था, इसमें इस सारे एप्लीकेशन ऐड कर चुकी हूँ। तो इसका व्हाट्सअप भी है, कौन सा चीज़ मैं इसमें इसको शामिल किया था,
तो इन सर्विसेस यहाँ शो कर रही है। तो आपको इसी तरह कंप्यूटर जैसा यूज कर सकती है। तो और भी ऐसी रिलेटेड का बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, तो आपको इससे ले क्या करना पड़ेगा, तो आपको आप जानते होंगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलती है दूसरे किसी और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपको OTP डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा माउस वगैरह इस करने के लिए, जैसे कि स्क्रीन पर देख रही है, आप सेटिंग पर जाकर सर्च करिए, वो मिल जाएगा।